नमस्कार। भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार शहर के ठीक बीचों बीच। यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे कि प्रदर्शन चल रहा है और जो कृषि कानून आए हैं 3, उनके विरोध में लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद के अगर असर की बात करें तो जो लंबे रूट की बसें हैं उन्हें रोक दिया गया है। प्रशासन किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। हालांकि एक बस जरूर चलाई गई थी जींद तक, हिसार से जींद तक, लेकिन उसे हांसी में ही रोक दिया गया है। और अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभी तक फिलहाल कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। और अगर किसानों की रणनीति की बात की जाए तो वो पूरी तरह से प्लान्ड वे में चल रहे हैं और आपस में अलग अलग जगहों पर वो उनका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर है। एक जगह जाम लगता है थोड़ी देर के लिए और फिर दूसरी जगह जाम लग जाता है। इस तरह से ये पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक चूहे बिल्ली का खेल लगातार चलता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यातायात की बात करूं तो सामान्य दिनों में इसी रोड पर कहीं ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल यहां पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। वाहन चल रहे हैं, आवागमन जारी है, लेकिन पहले से बेहद कम है।